हेलो फ्रेंड्स, चैट प्रशांत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन ये कमांड देखने वाले हैं। बेसिकली ट्रांजिशन कमांड से कोई भी ओपन सेक्शन, मतलब टू या फिर मल्टीपल नंबर्स से सेक्शन हम कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल्स बना सकते हैं। सो ये कमांड कैसे वर्क करती है, बहुत ही अच्छी कमांड है। सो स्टार्ट करते हैं। इस कमांड स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ स्केच जनरेट कर लेता हूँ। इंसर्ट डेटम प्लेन, जो मेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे कुछ पैरेलल डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे एक स्केच जनरेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्लेन जनरेट किया है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक स्केच बनाता हूँ। मैं कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसे कन्वर्ट टू रेफरेंस रखता हूँ। और ये जो स्केच है इसके मिडल में रखा, सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो डिस्टेंस है कुछ 40 में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर मैं यहाँ पे स्केच हाइड कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्शंस है तो ये पूरी तरह से क्लोज नहीं, क्योंकि ये जो है डॉटेड लाइन रेफरेंस लाइन है। ओके, नेक्स्ट में इसके सामने और एक स्केच जनरेट कर लेता हूँ। इंसर्ट डेटम प्लेन, उसके ऊपर मैं एक स्केच बनाता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पे एक आर्क लाइन आर्क, और यहाँ पे तीनों भी लाइन्स है लेकिन ओपन प्रोफाइल है। ओके, सो ये दोनों भी प्रोफाइल को हमें एक सरफेस से जोड़ना है। ओके, बेसिकली ट्रांजिशन कमांड में यही वर्क होता है कि आप कोई भी दो, जैसे मल्टीपल प्रोफाइल जो कि उसकी जो लेंथ है, मतलब प्रोफाइल्स कोई भी एक लॉजिकल सरफेस बन सके, ऐसा प्रोफाइल होना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक जो प्लेन हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन। सो यहाँ पे हमें वन बाय वन स्केच सिलेक्ट करना है, या फिर आप कनेक्टेड कर्व्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली इस कमांड में हम सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आईडी सेट करके हमें सेकंड सेक्शन सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कैसा प्रोफाइल बन गया। अभी मैं ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये, और सेकंड सेक्शन ये, तो मैं सेकंड सेक्शन को पहले डिलीट कर देता हूँ। और सपोज अगर आपने रिवर्स साइड से जो सेक्शन आईडी सेट करके अगर आपने रिवर्स साइड से स्केच सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन का इशू आ जाता है। तो अगर आपका स्केच प्रोफाइल अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से उसके डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, या फिर यहाँ से उसके डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है शो ऑल पॉइंट्स ऑन सेक्शन, इससे हमें वो पॉइंट हाईलाइट हो जाती है, जिससे आप उसे राइट क्लिक करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है स्क्यू डेप्थ, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा जो प्रोफाइल है
यहाँ पे हमने ये स्केच जनरेट किया था, और सेकंड यहाँ पे ऐसा ये प्रोफाइल जनरेट किया था, तो उसकी जो भी डेप्थ वगैरह है आप यहाँ से प्रोफाइल से यहाँ से एक अप्रोक्सीमेट कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम सेम टू और मल्टीपल प्रोफाइल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज कैसे वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी मैं ये जो सरफेस है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। अभी ये स्केच में मल्टीपल जगह पे पैटर्न्स करता हूँ, इंसर्ट सीओटी कॉपी, जैसे हमने पैटर्न फीचर्स कमांड देखा इसके पहले की वीडियो में, मैं इस स्केच को पैटर्न कर रहा हूँ। रेफरेंस पॉइंट सर्कुलर, स्पेसिफाई वेक्टर, वर्टिकल डायरेक्शन एंड स्पेसिफिक पॉइंट दिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए काउंट एंड स्पैन। ओके, सो 360 डिग्री में अगर हमें तीन चाहिए चार चाहिए, मैं अलग अलग एंगल से कितने प्रोफाइल्स और कैसे बनते वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तस्वीर में दो लेता हूँ, ये जो हमारा सेकंड स्केच है पहले उसमें हाइड कर देता हूँ ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो। ओके, इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन, मैंने स्केच सेलेक्ट किया है। आप मिडल बटन सेलेक्ट करके डायरेक्टली ऐड न्यू शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी प्रेस किया है मिडल बटन, या फिर आप यहाँ से इस कमांड को प्रेस करके भी जा सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था आप यहाँ से उसकी प्रोफाइल शेप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जीवन पोजिशन, जीवन टेंजेंट, ये कंटिन्यूटी के सरफेस पैरामीटर है। ये देखिए, ये हो गया हमारा दो सेक्शन के बीच का सरफेस। ओके, तो इसे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अभी इस कमांड को मैं अभी यहाँ से डिलीट करके मल्टीपल पैटर्न फीचर्स यहाँ पर बनाता हूँ। जैसा हमारा था यहाँ पे हमने पैटर्न्स में दो स्केचेस लिया था, अभी मैं उसे तीन बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए सेम इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन कनेक्टेड कर्व एड न्यू सेट, मैंने सेकंड सेट किया। अब ये देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम सेक्शन कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल्स एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, तो ऐसे सेक्शन में आपको ये डायरेक्शन बटन जो है रिवर्स डायरेक्शन आपको फ्लिप करना है। और इस कमांड में इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं वो भी जरूरी है। जैसे अभी हमें आप दिख रहा है 1 2 3 सामने वाले प्रोफाइल, अगर उसके कैलकुलेशंस में लॉजिकली सरफेस नहीं जनरेट हो रही तो एरर दिखता है। ओके, सो आप सिलेक्शन का ऐसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको यहाँ से डायरेक्शन फ्लिप करना है। ओके, तो सेकंड हमें तीसरा हम सेक्शन जनरेट करेंगे, इसलिए मैं सेक्शन यूज कर रहा हूँ, तो उसे मैं डायरेक्शन फ्लिप करता हूँ। ये देखिए, ओके, अभी प्रीव्यू। ओके, यहाँ पे देखिए तीनों सेक्शन का मिला के यहाँ पे एक सरफेस जनरेट हो गई है। मतलब आप ऐसा कोई भी अगर प्रोफाइल है तो आप ये बहुत ही अच्छी कमांड है ट्रांजिशन करके सरफेसिंग में, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, और इसे स्केच की जगह पे आप मल्टीपल प्रोफाइल्स भी यूज कर सकते हैं। मैं तीन के जगह पे चार पैटर्न करके दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने नंबर ऑफ पैटर्न्स चेंज किए, और यहाँ पे वापस इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन कनेक्टेड कर्व एड न्यू सेट, मैंने सेकंड सेक्शन सिलेक्ट किया है, मैं उसे डायरेक्शन फ्लिप कर रहा हूँ। ये देखिए व्यू में यहाँ पे प्रोफाइल दिख जाता है। वापस एड न्यू सेट करके मैंने थर्ड सेक्शन सिलेक्ट किया है, यहाँ पे भी सेम देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आप यहाँ से डबल क्लिक करके या फिर यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, और वापस एक बार एड न्यू सेट, यहाँ पे वापस सेम कॉन्फ्लिक्ट रिवर्स डायरेक्शन। ये देखिए ऐसे एक प्रोफाइल जनरेट हो गया है।
अभी हम थोड़ा स्केच सेक्शन चेंज करके देखते हैं। तो मैं इस कमांड को डिलीट कर देता हूँ और ये जो प्रोफाइल है स्केच, मैं उसे एडिट करता हूँ। यहाँ पे कुछ आर्क बना रहा हूँ, ठीक है। इसे मार्क इसे के तुम्हें इसे मिरर कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा प्रोफाइल मैंने यहाँ पे चेंज किया है। बेसिकली ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये दोनों भी आर्क एक पॉइंट में लाने के लिए ड्रॉ की। तो अभी मैं वापस एक बार सेम कमांड रिपीट करता हूँ, इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन करेक्टेड कॉस्ट एड न्यू सेट, यहाँ पे देखिए, और एक बार एड न्यू सेट और एक बार सेट। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल सेम, मैं आपको नंबर ऑफ पैटर्न्स चेंज करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मतलब आप मल्टीपल प्रोफाइल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 6 कर रहा हूँ। यहाँ पे कैसा रहता है कि इस दोनों का भी डिस्टेंस नहीं जरूरी है। हम 6 प्रोफाइल से आप जनरेट होते कि नहीं यहाँ पे देख लेते हैं। इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन कनेक्टेड कर्व्स एड न्यू सेट, ये देखिए एक्सेप्टेड। वापस एक बार सेकंड सेक्शन मैं रिवर्स डायरेक्शन कर रहा हूँ, ये देखिए एड न्यू सेट। थर्ड सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन रिवर्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। बस एक बार ऐड न्यू सेट रिवर्स डायरेक्शन और ऐड न्यू सेट, ये देखिए 6 प्रोफाइल को लेके हमने यहाँ पे प्रोफाइल बनाया है। मुझे मतलब इसके यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छी कमांड है सर्फेसिंग में ट्रांजिशन करके, जिससे आप मल्टीपल प्रोफाइल्स जो कि अलग अलग सेगमेंट्स से आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वे मैं यहाँ पे सब प्रोफाइल्स यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है इंसर्ट सरफेस बाउंडेड प्लेन। बेसिकली बाउंडेड प्लेन में कोई भी प्लेनर सरफेस क्लोज प्रोफाइल्स हम सरफेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए फुल सर्कल रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें सर्कल चाहिए। इंसर्ट सरफेस बाउंडेड प्लेन, ये देखिए मतलब कोई भी जो क्लोज प्रोफाइल है मोस्टली प्लेनर सरफेस, उससे हम बाउंडेड प्लेन मतलब सरफेस जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और एक प्रोफाइल जनरेट करता हूँ, इंसर्ट डिजाइन फीचर ब्लॉक, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक जनरेट किया है। अभी मैं यहाँ पे एक
होल यूज करता हूँ। सेंट्रल होल डायमीटर कुछ 30 एम दिया मैंने, और जो लॉन्ग वेक्टर मेक एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट आया है। डायरेक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यहाँ पे देखिए, सपोज आपको ऐसा प्रोफाइल और यहाँ पे आपको सरफेस जनरेट करना है, तो आप इंसर्ट सरफेस बाउंडेड प्लेन एच सेट करके वहाँ पे सरफेस जनरेट कर सकते हैं, या फिर सेम आपके पास यहाँ पे कुछ पॉकेट वगैरह प्रोफाइल है तो मैं यहाँ पे वो भी एक जनरेट करके दिखाता हूँ। अभी हमने एक ऐसा पॉकेट बनाया है, और सपोज आपको इस एज को कवर करने के लिए एक सरफेस जनरेट करना है, तो आप इंसर्ट सरफेस बाउंडेड प्लेन ले सकते हैं, एंजेंट कर्व ये देखिए, आपको ये हाइड करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक्सैक्टली। मतलब आप कोई भी क्लोज प्रोफाइल सेक्शन प्रोफाइल जो रहता है, क्लोज प्रोफाइल स्केच प्रोफाइल, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे बाउंडेड प्लेन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है इंसर्ट सरफेस शीट फ्रॉम करो, ओके, तो कोई भी ये भी कमांड बाउंडेड प्लेन जैसा ही, कोई भी अगर आपको क्लोज प्रोफाइल है, मतलब एज लाइक मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ, कमांड इंसर्ट सरफेस शीट फ्रॉम कर्व, यहाँ पे ऑप्शन से साइकिल वाइलियर वार्निंग, मतलब अगर आपको कुछ एरर से तो आप यहाँ पे दिखा रहा है उसके लिए चेक रखना है, और वो स्केच प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि बाउंडेड प्लेन में हिस्ट्री में दिखता है, आप उसे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं वो जो प्रोफाइल है, और इसमें इस कमांड में डायरेक्टली नॉन पैरामेट्रिक फाइल मतलब बॉडी करके यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ओके, बेसिकली बाउंडेड प्लेन और इसका पर्पज सेम है। मैं आपको सेम ये जो प्रोफाइल है फिर डिलीट करके यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, इंसर्ट सरफेस शीट फ्रॉम करो, ओके, यहाँ पे हमें कुछ करो लगेगा यहाँ पे, तो मैं सिस करो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, मैं स्केच एक्सटर्नल, ये देखिए इंसर्ट सरफेस शीट फ्रॉम कर्व, ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो गया।
सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इंसर्ट सरफेस ट्रांजिशन, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल कमांड है, बाउंड्रेड प्लेन, ये भी सर्फेसिंग में बहुत बार यूज होती है, बाउंड्रेड प्लेन, और नेक्स्ट जो कमांड है शीट फॉर्म कर्व्स, ये तीनों भी कमांड सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिबन बिल्डर मिड सरफेस ये कमांड सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।